हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्त्री ऋतु निवृत्ति के बारे में, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। होता क्या है कि स्त्री का मासिक धर्म जो है मेंसेस, जब वो बंद हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 साल या 50 साल वो उम्र में, तो उनमें काफ़ी सारी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो सिम्टम्स मानसिक हो या शारीरिक हो, और उसमें मालूम पड़ता नहीं कि भाई हो रहा क्या है। ये अज्ञान है इसलिए मालूम पड़ता नहीं, इसलिए फिर डॉक्टर के पास में जाते नहीं है। तो आज हम समझ लेंगे कि वो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम क्या है, स्त्री को मासिक धर्म खत्म होने के बाद में होता क्या है, क्यों होता है, उसका इलाज क्या है। तो आइए, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, ठाणे, नागपुर, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ठाणा में भी हमारा काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अकोला में हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिलेटिव्स पेशेंट को एडमिट करते हैं, विद रिलेटिव्स भी पेशेंट को एडमिट करते हैं। मेरे पास में एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, एज ए साइकियाट्रिस्ट काफ़ी सारी लेडीज़ को लाया जाता है। वो इसलिए कि जब से उनके मेंसेस बंद हो गए, स्त्री धर्म जो है मासिक धर्म खत्म हो गया, बंद हो गया, तब से उनमें काफ़ी सारी मानसिक बीमारियां तैयार हो गई या मानसिक लक्षण तैयार हो गए। उसके लिए क्या करना, 40 के ऊपर कभी भी स्त्री के मेंसेस बंद हो सकते हैं, और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, और इसका स्वीकार एकदम नेचुरली खेलते खेलते स्वीकार करना चाहिए। मगर वो होता नहीं, मैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मासिक धर्म जो अभी खत्म हो गया, अभी मेरा स्त्रीत्व खत्म हो गया, अभी मैं स्त्री नहीं रही, ऐसा उनके दिमाग में आ जाता है, और उसके बाद में फिर तकलीफें शुरू हो जाती है। होता क्या है कि स्त्री का जो अंडाशय है, ओवरीज, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो उसमें फिर इस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन धीरे धीरे कम हो जाता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, और उसके वजह से काफ़ी सारे लक्षण, काफ़ी सारी तकलीफें, बीमारियाँ दिखाई देती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो लेडीज़ को आता है, वो है कि बदन का गर्म होना, हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं, कि बीच बीच में ऐसे पूरा पूरा बदन ऐसा गर्म हो जाता है और वो सहन नहीं कर सकती, हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं, बीच बीच में ऐसा एकदम सडनली अटैक आ जाता है, और उसमें प्रॉब्लम होता है, उसको अस्थिरता आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसको ठीक नहीं लगता, कुछ तो भी हो रहा है ऐसा लगता है। फिर उसमें चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, भावनाओं में चढ़ उतार, इमोशंस कभी एकदम अच्छे तो कभी डाउन, डिप्रेस, कभी इरिटेबल, नींद ना आना, स्त्री की योनि जो है वो सूख जाती है, फिर उसके वजह से फिर सेक्स में भी उनको प्रॉब्लम आ जाता है, एकाग्रता नहीं होती, मनस्थिति द्विधा हो जाती है, मेंटल कन्फ्यूजन आता है, और पेशाब में बार 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 जाने की इच्छा होती है। मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, अभी मैं कुछ काम की रही नहीं, अभी मेरे हस्बैंड और कहीं बाहर देखेंगे, बाहर जाएंगे, इसलिए हस्बैंड के ऊपर शक, भुलक्कड़पना, मतलब ऐसी सारी काफ़ी सारी बीमारियां लक्षण दिखते हैं। उसके साथ साथ मतलब ये जो बीमारियां के ये लक्षण हैं जो 1 से 2 साल तक दिखाई देते, कभी कभी 10 साल तक दिखाई देते हैं। इसमें सरदर्द भी होता है, बदन में बीच बीच में गर्मी के जो दौरे आते हैं उसके वजह से बेचैनी, और ये पीरियड में थायराइड की भी कमी कुछ स्त्री को दिखाई देती है, थायराइड डिफिशियंसी, जिसमें फिर उसका भी इलाज करना पड़ता है। इसमें यदि उनको ट्रीटमेंट बराबर दिया थायराइड की, तो थायराइड का प्रॉब्लम तो ठीक हो जाता है। अब ट्रीटमेंट इसमें क्या करें, ट्रीटमेंट है सोशल सपोर्ट, नंबर 2 एजुकेशन कि भाई ऐसा होता ही है, नंबर 3 एक बोले जाता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम। इसका मतलब यह है कि 40-45 साल में क्या होते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो अपना अपना इंडिपेंडेंटली करना चालू कर देते हैं, जल्दी शादी हो गई होंगी तो ये स्त्री के बच्चों की भी शादी हो जाती है, हस्बैंड का बिजनेस या उनकी उनकी सर्विस या जो भी है उसमें वो बिजी है, और हाउसवाइफ रही तो घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, अकेले अकेलापन का। तो इसलिए खुद को बिजी रखना, सोशल सपोर्ट लेना, सोशल क्लब ज्वाइन करना, और कुछ साथ साथ में काउंसलिंग भी करना।
इसके साथ साथ यदि इस्ट्रोजन थेरेपी वो लेती है, बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम है तो इस्ट्रोजन थेरेपी मतलब वो दवाई इस्ट्रोजन की जो कम हो गया है उसकी ट्रीटमेंट, उसका इंजेक्शन, उसकी गोलियां लेना, प्रोजेस्टिन जो नाम का जो दवाई है उसकी थेरेपी करना, क्लोनिडिन नाम की गोली है उसकी थेरेपी करना, या SSRI नाम की जो मतलब ड्रग्स है उसकी ट्रीटमेंट करना, ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। हॉट फ्लैशेस के साथ में यदि डिप्रेशन रहा, निराशा, उदासीनता वो भी काफ़ी स्त्रियों में दिखती है, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे महत्व का ये है कि ये नॉर्मल फेज है, ये तो आने वाला है, 40-45 साल के बाद में ये नॉर्मल होने वाला है, नॉर्मली उनका जो मासिक धर्म है वो बंद होने वाला है, उसे नॉर्मली सेक्स की इच्छा कम होती है उम्र के हिसाब से, तो इसको स्वीकार करना खेलते खेलते एकदम लाइटली, और उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना कि नहीं अभी मैं काम की नहीं रही, इन फालतू के दिमाग में विचार नहीं लाने का कि मैं काम की नहीं रही, अभी मेरे हस्बैंड और कहीं बाहर जाएंगे, मेरा सेक्स में अभी इंटरेस्ट कम हो गया है, ऐसा ऐसा मतलब ऐसे कुछ काफ़ी सारी बातें दिमाग में लाए, तो उससे क्या होता है कि वो जो आंग गर्म होना मतलब हॉट फ्लशेस उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, डिप्रेशन की तकलीफ ज़्यादा होती है, और फिर बाकी जो मानसिक बीमारियाँ हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाता है, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर मैनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बाकी काफ़ी बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका इलाज जल्दी करो, स्वीकार करो, और एक मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में लोग जाते ही नहीं, साइकेट्रिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन जो काउंसिलिंग करेगा, और काउंसिलिंग करके हिप्नोसिस करके अलग अलग साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करके उनको अच्छा कर सकता है। तो ये लोगों को मालूम नहीं, इसलिए ये जो वीडियो है ना इसका प्रचार प्रसार काफ़ी लेडीज़ में कर दो, काफ़ी सारे लेडीज़ को मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्मल है, उसके ऊपर इलाज क्या है, समझो ऐसा होता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपके अलग अलग फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जो इसको स्प्रेड करो, फैलाओ उसको, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे वीडियोज़ में हरदम डालते रहता हूँ, आप यदि वो बेल आइकॉन को हिट करते हैं ना तो मेरे वीडियो का इंटीमेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।